Hello, students. Good morning. Standard 3rd. Subject EVS. Chapter number 21. Let's save water. Student, in last video, we saw up to page number 145. Today, we will see from page number 146. So, let's get started. Just like Madhu. सरोज अल्सो फेसेस वाटर स्कैसिटी इन हर हाउस तो मधो की तरह सरेज सरोज भी अपने यहाँ पर अपने घर पर पानी का प्रॉब्लम फेस करती है शी लिव्स इन रामनगर वो कहाँ पर रहती है रामनगर रहती है वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे एक दिन में सिर्फ आधा घंटा ही पानिया सॉरी पानी सप्लाइड होता है ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ओनली अ सिंगल टैप तो उनके एरिया के लोग सिर्फ एक टैप के ऊपर ही डिपेंड है कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या होता होगा कैन यू इमेजिन नेक्स्ट थिंक एंड राइट व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड विदाउट वाटर पानी के बिना क्या क्या प्रॉब्लम सहनी होती है वो डिफ़िकल्टीज कौन सी कौन सी मुश्किली का सामना आप लोगों को करना होता है सो आंसर इज़ कुकिंग वुड बी इम्पॉसिबल खाना बनाना इम्पॉसिबल है बिना पाने के हम खाना नहीं बना सकते हैं वेजिटेशन वुड ड्राई अप जो खेती की है वो क्या हो जाएगी सूख जाएगी बाथिंग वुड बी इम्पॉसिबल नहाना इम्पॉसिबल हो जाएगा क्वेंचिंग थ्रस्ट वुड भी इम्पॉसिबल तो हमें जो प्यास लगे है उसे भी हम बुझा नहीं सकते हैं नेक्स्ट सरोज इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप वेन एवर शी गेट्स अ चांस शी फील्स हर बकेट इवन इफ इट इज़ जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप तो उसे जब भी चांस मिलता है तो वो अपना जो बकेट है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप भरती है। मेजर एंड राइट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है मेजर करके लिखना है कि कितना टाइम लगेगा इसे भरने में सो फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो लुक एट द फर्स्ट पिक्चर इट इज द पिक्चर ऑफ स्पून। यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून तो स्पून को भरने के लिए कितने ड्रॉप्स लगेंगे हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून सो आपको क्या लगता है कि कितने ड्रॉप लगेंगे एक स्पून को भरने के लिए तो आई थिंक एट ड्रॉप इज इनफ फॉर स्पून एट तो आपको क्या लिखना है एट लिखना है नंबर टू लुक एट दिस पिक्चर बाउल का पिक्चर है हाउ मैनी स्पूंस विल फिल अ बाउल अभी क्या पूछा है कि कितने स्पून लगेगे एक बाउल को भरने के लिए सो आई थिंक फिफ्टी स्पून इज इनफ फॉर द बाउल यहाँ पर जो बाउल दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है सो फिफ्टी स्पूंस आर इनफ फॉर टू फिल ए बाउल Next, how many bowels will fill a mug? So, look at this picture of mug. Par mug ka picture draw hua hai. So, how many bowels will fill a mug? So, answer is 5. 5 bowels are enough for a mug. Next, number 4. How many mugs will fill a bucket? बकेट को भरने के लिए कितने मग्स इनफ है हाउ मैनी मग्स विल फिल अ बकेट सो ट्वेंटी मग्स आर इनफ फॉर बकेट नेक्स्ट हैव यू सी हाउ वी गॉट सो मच वाटर ड्रॉप बाय तो आपने देखा कि हम ड्रॉप बाय ड्रॉप कितना पानी भर सकते हैं हैव यू सीन हाउ वी गॉट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें कितना सारा पानी मिल सकता है ड्रॉप बाय ड्रॉप नेक्स्ट थिंक एंड राइट जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन अ ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड अगर जो टैप से वो लीकेज होगा टैप्स लीक होता है तो आप इमेजिन कर सकते हो सोच सकते हो कि कितना सारा पानी वेस्ट होता होगा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक टैप है वहाँ पर लीकेज हो रहा है और यहाँ पर जो बाजू का पिक्चर है तो उसमें ये बॉय है वो क्या कर रहा है ब्रश कर रहा है और उसका जो टैप है वो पूरा खुला हुआ है यहाँ पर देखो आपने टैप में से पानी वेस्ट हो रहा है थिंक एंड राइट कैन यू थिंक द वेज ऑफ सेविंग वाटर राइट योर सजेशन बिलो तो आपको यहाँ पर सोच के लिखना है कैन यू थिंक द वे ऑफ सेविंग वाटर पानी के बचाने के तरीके आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं सो आंसर इज क्लोज द टैप फ्रीमली जब भी आपको जरूरत नहीं है तो क्लोज कर दो टैप को रिपेयर टैप्स अगर टैप्स लीकेज हो रहे हैं तो उसे रिपेयर करना है क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग जब भी ब्रश कर रहे हैं तो क्लोज क्या करना है टैप को क्लोज कर देना है यूज़ बकेट फॉर बाथिंग नहाने के लिए बकेट का यूज़ करना है टेक ओनली एज मच वाटर एज यू वॉन्ट आपको जितना पानी चाहिए उतना ही पानी आपको लेना चाहिए स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे इन टू घटर्स एंड कलेक्ट इट जो बारिश का पानी है उसे बह जाने से बचाकर उसे गटर या फिर ऐसे ही बह जाता है तो उसे बचाकर आप लोगों को क्या करना होगा उसे कलेक्ट करना होगा स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे इन टू गटर्स एंड कलेक्ट इट नेक्स्ट राइट द नेम्स ऑफ प्लेस वेर यू हैव सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरीली सो कोई कोई प्लेस होती है जहाँ पर पानी का अननेसेसरी यूज होता है और पानी वैसे ही बह जाता है तो हमें वैसे ही प्लेस के नेम्स लिखने हैं सो आंसर इज पब्लिक प्लेस फॉर गेटिंग वॉटर जो पब्लिक प्लेस है वॉटर को लेने वाटर जहाँ पर मिलता है पब्लिक प्लेस होती है जहाँ से पानी सब लोग भरते हैं तो वैसी जगह पर भी पानी का वेस्ट होता है ए बाथरूम वाइल बाथिंग अंडर ए शावर जब भी हम शावर के नीचे बाथिंग करते हैं तो बाथरूम में बहुत सारा पानी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है ए वॉश बेसिन वॉइल ब्रशिंग और शेविंग और वॉश बेसिन में भी बहुत सारा पानी वेस्ट होता है जब भी हम ब्रश करते हैं या फिर शेविंग करते हैं तो हम टैप को क्या करते हैं खुला ही छोड़ देते हैं तो वो टाइम पर वॉश बेसिन में बहुत ही पानी वेस्ट हो जाता है रेन वाटर दैट फ्लोज अवे, अवे फ्रॉम विलेज एक्सेट्रा तो जब जो रेन वाटर होता है बारिश का पानी होता है वो गांव में बह जाता है तो पानी का बहुत वेस्ट हो जाता है उसे बह जाने के बजाय उसे रे, हार्वेस्टिंग किया जाए तो पानी बच सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस करेंगे तो बहुत सारा पानी बच सकता है नेक्स्ट लुक इन टू नेक्स्ट पेज थिंक एंड टेल लुक एट द पिक्चर गिवन बी लो कैन वी री यूज़ वाटर विच वी हैव यूज इन वन वीक फॉर अदर वर्क डिसकस तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है पिक्चर देखना है और फिर वाटर का यू, री यूज़ हम कैसे कर सकते हैं वो आपको बताना है कि जो पानी हमने अभी यूज़ किया है उसे दूसरे कामों में भी यूज़ कर सकते है या नहीं कर सकते हैं तो आपको डिस्कस करके फिर बताना है तो चलो पहले हम क्या करेंगे पिक्चर को देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिक्चर में देखो एक लेडी है वो पानी भरकर लाती है राइट फिर वो क्या करती है नहाने के लिए जो वाटर यूज करते हैं तो नीचे उसने बकेट रखा है तो जो भी पानी से वो नहाती है वो बकेट में वापस से क्या हो जाता है जमा हो जाता है और फिर बकेट का पानी वो क्या करती है एनिमल्स को नहलाने के लिए एनिमल्स बाथिंग के लिए वो वापस से यूज करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो कि बकेट का पानी है उससे ही वो क्या करती है एनिमल्स को बाथिंग कराती है सो so, हम जो पानी एक काम के लिए यूज करते हैं तो वही पानी हम दूसरे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं राइट स्टूडेंट आपने अभी पिक्चर में देखा तो इसी तरीके से हम भी जो एक बार पानी यूज़ किया है उसे दूसरी बार यूज कर सकते हैं दूसरे काम के लिए नेक्स्ट ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन तो यहाँ पर आप लोगों को लाइन्स ड्रॉ करनी है और एक काम के लिए जो पानी यूज किया है तो वही पानी को री कैसे किया जाता है तो आप लोगों को लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर बताना है तो आप लोग यहाँ पर बॉक्स देख सकते हो फर्स्ट बॉक्स में क्या है पहले हम सारे बॉक्स देख लेते हैं वॉशिंग हैंड्स एंड फेस हाथ और मुंह धोया हुआ पानी हम कैसे री कर सकते हैं फिर है वॉशिंग क्लोथ्स तो जो कपड़े धोने के लिए जो पानी हम यूज़ कर सकते हैं उसे कैसे री कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट इज़ वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश किया हुआ पानी हम कैसे वापस से री करते हैं तो री करने के लिए कौन से कौन से वर्क यहाँ पर दिए हैं मोपिंग द फ्लोर वाटरिंग द प्लांट्स यूजिंग इन टॉयलेट्स तो ये सारे यू के वर्क दिए गए हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट बॉक्स देखेंगे तो फर्स्ट बॉक्स में क्या है वॉशिंग हैंड्स एंड फेस तो हाथ और मुंह धोया हुआ पानी हम प्लांट्स में डाल सकते हैं तो क्या आएगा वाटरिंग प्लांट्स और फिर उसका यूज़ हम टॉयलेट में भी कर सकते हैं तो यूजिंग इन द टॉयलेट नेक्स्ट वॉशिंग क्लोथ्स तो जो कपड़े धोया हुआ पानी है उसे फ्लोर की साफ़ सफाई करने के लिए फ्लोर को क्लीन करने के लिए पोछा लगाने के लिए कर सकते हैं मोपिंग द फ्लोर और फिर उसे टॉयलेट में भी यूज़ कर सकते हैं सो यूजिंग इन द टॉयलेट इस तरीके से हम पानी को री कर सकते हैं वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोया हुआ पानी हम फ्लोर को मोप करने के लिए कर सकते हैं तो मोपिंग द फ्लोर एंड देन वाटरिंग प्लांट्स प्लांट्स में पानी डालने के लिए भी कर सकते हैं तो इस तरीके से हम वॉटर का री यूज कर सकते हैं राइट स्टूडेंट नेक्स्ट यू हैव लर्न अबाउट री यूज़ ऑफ वाटर आपने पानी को कैसे री यूज कर करते हैं उसके बारे में सीखा पीपल यूज़ दिस मैथड ओनली अंडर कंडीशंस वेन देयर इज़ अ स्केयर सिटी ऑफ वाटर पीपल इस तरीके की जो मैथड है वो तभी अपनाते हैं जब भी उन्हें पानी की तंगी होती है डू यू नो वन ऑफ़ द रीज़न फॉर द स्केर सिटी ऑफ वाटर इज बिकॉज पीपल वेस्ट इट क्या आपको पता है कि पानी की तंगी क्यों होती है बिकॉज जो लोग हैं वो पानी का वेस्ट करते हैं इस वजह से पानी की तंगी महसूस होती है जस्ट थिंक हाउ गुड इट वुड बी इफ एवरी वन गेट्स वाटर क्या आपको सोचना है जस्ट थिंक अगर सबको पानी मिलेगा तो ये कितना अच्छा होगा सो हाउ गुड इट वुड बी इफ़ एवरी वन गेट्स वाटर सो स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा सो अवर चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन लेट से वॉटर इज फिनिश्ड हीयर सो विल सी द न्यू वर्ड्स हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर एंड वर्कबुक पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो ओके स्टूडेंट बाय बाय थैंक यू